नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल लीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज है एकादशी, तो एकादशी से ही होली के बड़बूले बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि होली के बड़बूले कैसे, किस तरह से बनाए जाते हैं, और ये बड़बूले मेरी मम्मा ने बनाए हैं। तो होली के दिन से पहले होलिका दहन की परंपरा रहती है, और इस दिन लोग शाम के समय जहाँ होली जलाई जाती है वहाँ पूजन करते हैं, और गोबर की माला, गाय के गोबर की मालाएं ले जाते हैं, बड़बूले से बनाए जाते हैं, इसे बरुए भी कहा जाता है। होली के बड़बूले होली का दहन से 15 दिन पहले बनाए जाते हैं। 15 दिन को पहले कोई भी शुभ दिन देखकर बड़बूले बनाए जाते हैं, या एकादशी से भी बनाए जाते हैं। ये बड़बूले पहले 7 की संख्या में बनाए जाते हैं, बाद में आप कितने भी बना सकते हैं। अब होली के बड़बूले या खिलौने में नारियल, पान, पयावड़ी, पीड़ा, पारा, चकला, बेलन, तवा आदि कई तरह के खिलौने बनाए जाते हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को गाय के गोबर की एक तलवार, 5 ढाल, 1 चांद, 1 सूरज, 1 नारियल, 1 रोटी, 1 पान और 1 होलिका माता बनाई जाती है। साथ ही 13 सुपारी भी गोबर की बनाई जाती है। अगर परिवार में बेटा हो या पुत्र का विवाह होने जा रहा हो तो इस दिन उद्यापन करना चाहिए। इसके बाद बड़कुलों को माला में पीरो देना चाहिए। माला भी सभी तरह के खिलौने, ढाल, तलवार, होलिका माई पिरो ले। होली के बड़कुले की माला, अब यह है कि उसकी संख्या कितनी होनी, 1 माला पितरों की, 1 हनुमान जी के नाम की, 1 घर की, 1 शीतला माई की, घर में जितने आदमी और लड़के हों उतनी। प्रत्येक माला में 8-8 की संख्या में बड़कुले, 1 पान, बड़ी सुपारी और नारियल पिरोना चाहिए। अगर उद्यापन किया गया हो तो 13 सुपारी माला में पिरो लीजिए, और रात्रि में होली के गीत अवश्य गाने चाहिए। अब होलिका दहन से पहले ही ये सब बनाए जाते हैं, और इनको बनाने का यही तरीका है कि गाय के किसी भी तरह का गोबर लाके, आजकल तो वैसे ऑनलाइन मिल जाते हैं, ये सब ऑनलाइन नहीं मिलता है, तो आप घर में गाय का गोबर लाके भी उन्हें बना सकते हैं। गाय का गोबर लाके फिर उनके बड़कुले बनाएं, तो जो अपने हाथों की बात होती है तो उससे जैसे बड़कुले बनते हैं वैसे बड़कुले नहीं मिल पाते। आज का बाज़ार में तो वैसे तैयार बड़कुले मिलते हैं, मगर जहाँ तक हो सके आप खुद गाय का गोबर लाकर घर पे अपने हाथों से बड़कुले बनाएं। तो गाय के गोबर के छोटे छोटे गोले बनाकर उनको दबा कर चपटा कर दें, फिर उसके बाद में बीच में छेद कर दें, जिससे माला पिरोने में आसानी आ जाए, जिसे हम इस परंपरा को अपनी अगली पीढ़ी के संस्कारों का हिस्सा भी बना सकते हैं। और ये इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि अगर होलिका दहन के लिए लकड़ियाँ काम में ले तो पर्यावरण का नुकसान होता है। कितने सारे पेड़ों को होलिका दहन के लिए काटना भी पड़ता है। बड़कुले गाय के गोबर से ही बनाए जाते हैं क्योंकि गाय के गोबर को सनातन धर्म में शुद्ध माना जाता है। गाय के गोबर को जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। बचे हुए बड़कुले को रख लीजिए, जो नवरात्रि पूजा माता के जोत में भी काम में आ सकते हैं। कई सब जगह पे अलग अलग रिवाज होता है, और कई नारियल, पान, सुपारी यह तो सभी बनाते हैं, और सिलबट्टा, सुराई, कंगा, चरखा, चूल्हा, चक्की, पयावड़ी, पीड़ा, पारा ये सब खिलौने तो सभी बनाते हैं, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा हो उतनी आप बना सकते हैं। श्रद्धा के अनुसार आप बनाएंगे तो बड़कुलों के साथ तलवार जरूर बनाएं, और नारियल, सुपारी ये तो होलिका माता के लिए ज़रूर बनाने चाहिए। और होलिका माता की जो तैयारी है वो होली के बड़कुले बनाने की परंपरा अलग अलग जगह अलग अलग होती है। आप अपने परंपरा के अनुसार, आप अपने बड़े बुजुर्गों, रिश्तेदारों से पूछ कर अपने परंपरा के अनुसार होली के बड़कुले बना सकते हैं। रात्रि में होली मंगल आने के बाद औरतों को घर में होली के मंगल गीत अवश्य गाने चाहिए। अब पहले के ज़माने में जो पान बनाते थे वो दो गाय के गोबर से दो हाथ करके बीच में ऐसे बनाते थे, लेकिन अब तो सब रेडीमेड मिलता है और कोई भी इस तरीके से आप छेद इतना कार्य नहीं करते हैं जितना कि और इस तरीके से आज सब ऑनलाइन मंगाते हैं। ऑनलाइन से ये है कि घर पे बनाना नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ तक हो सके आप अपने घर पे अपने हाथों से बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है इसे। और इसी के साथ ही अपने हाथों की बात ही अलग होती है।